दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेयरफुल होने वाला है। पूरे के पूरे डाउट मैं आपके आज इस वीडियो के द्वारा क्लियर कर दूंगा। आपके मन में जितने भी नेगेटिव इफेक्ट डाउट है क्रिप्टो को लेकर, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। अगर दोस्तों आप क्रिप्टो में पुराने हो तब तो आपको बिटकॉइन की हिस्ट्री अच्छे से मालूम होगी, अगर नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। दोस्तों ये चीज़ अगर आप समझ लोगे तो पैनिक बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं आपको 100% क्लियर 101% बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो 2010 में बिटकॉइन के प्राइस के लेवल क्या थे, 0.9, मतलब बहुत ज्यादा कम। अब देखो ठीक है, यहां पे चेक करें दोस्तों, 2011 में बिटकॉइन का प्राइस कहां तक, 0.030 ये डॉलर में है प्राइस, बिटकॉइन प्राइस आप यहां पे चेक कर सकते हो डॉलर में, ठीक है। 2012 में बिटकॉइन का प्राइस $5 तक पहुंचा, उसके बाद 2013 में बिटकॉइन के प्राइस दोस्तों आपको तकरीबन $13 तक पहुंचे, 13, मतलब दोस्तों 3 साल में बिटकॉइन ने आधे डॉलर से भी कम अमाउंट का जो प्राइस बिटकॉइन का इस लेवल पे था, लगभग 3 साल में बिटकॉइन पहुंचा लगभग $13-14 पे। अब दोस्तों 2016 में बिटकॉइन के प्राइस के लेवल देखने को मिले $434, 3 साल बाद 3 साल पहले दोस्तों 2013 में बिटकॉइन के प्राइस $13 थे, और 3 साल बाद 2016 में बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिले $434। तो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आप क्रिप्टो को अच्छे से समझ लोगे। अगर बिटकॉइन को आपने समझ लिया दोस्तों, बिटकॉइन ने कैसे 2009 से बिटकॉइन की लॉन्चिंग हुई और कैसे कैसे बिटकॉइन ने वर्क किया, और इसने दोस्तों लगभग दोस्तों 2021 में अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, लगभग दोस्तों $70,000 के करीब, $70,000 के करीब इसने ऑल टाइम हाई को टच किया। अब ये चीज आपको समझनी है, 2016 में बिटकॉइन के लेवल क्या थे, $434, और 2017 में बिटकॉइन पहुंचा $957, और 2018 में दोस्तों एक साल में बिटकॉइन ने कितनी बड़ी बाजी मारी, $13,412 आप यहां पर चेक सकते हो। अब एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला 2018 और 2019 के बीच में। अब देखो $13,412 से कितना पहुंचा 2019 में, अब दोस्तों कितना ज्यादा माइनस हुआ, 9,542, ठीक है, लगभग 71% की गिरावट देखने को मिली। और जब 2017 से पंप किया 1244 का पंप करके बिटकॉइन इस लेवल पे पहुंचा और 71% डाउनफॉल आया और ये प्राइस देखने को मिले, मतलब कितना ज्यादा दोस्तों $9,542। अब आगे आगे देखिए क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद 2020 में बिटकॉइन के लेवल क्या देखने को मिले, लगभग दोस्तों $71,788, ठीक है, ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई इसके मुकाबले में। 2021 में बड़ी बाजी मारी बिटकॉइन ने दोस्तों, ठीक है, $29,391। अब 2022 में बिटकॉइन के लेवल क्या थे, 47,743 बिटकॉइन के प्राइस थे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ये आप यहां पे इस चीज को अच्छे से चेक कर लेना। अब आगे एक चीज और आप समझिए, 2022 का ये आंकड़ा है, 2022 में अप्रैल मंथ के यहां से स्टार्टिंग करें, ठीक है, लगभग ये बीटीसी के प्राइस है $57,000, उसके बाद $47,000, इतना ज्यादा डाउनफॉल, उसके बाद दोस्तों 38,718, उसके बाद दोस्तों 44,000 और 46,000, और यहां पे पहुंचा बिटकॉइन, ठीक है, अप्रैल में 37 पे, उसके बाद इतने बड़े डाउनफॉल देखने को मिले हैं। आज बिटकॉइन के लेवल को मैं अभी आपको कुछ चीजें बताता हूं दोस्तों, उस पर आप जरूर फोकस करना। तो ये वाला जो क्रैश देखने को मिला दोस्तों, ये नहीं है कि पहली बार देखने को मिला है, इससे पहले भी देखने को मिला है। अगर $40,000 से इतना ज़्यादा नीचे आया, मतलब अगर हम देखें आंकड़े को निकाल कर, तो $13,000 बनता है। अब एक चीज़ और समझना, अब $13,412 के प्राइस से जब नीचे आया दोस्तों $9,542, उसके बाद कितना गया $7,188, उसके बाद कितनी बड़ी बाजी मारी बिटकॉइन ने दोस्तों, 29,000, लगभग 29,500 बिटकॉइन ने बड़ी बाजी मारी दोस्तों, लगभग $30,000 के करीब यहाँ पे बिटकॉइन पहुँचा। तो अब दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये वाला क्रैश हमें पहली बार देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो वीडियो आपको देखना चाहिए, चाहे आपके पास शिबा इनू कॉइन हो, चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसीज हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप शिबा को या किसी भी कॉइन को और परचेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं अगर आपका ज़्यादा लॉस हो चुका है तो मैंने आपको पोर्टफोलियो अपना शो भी मैं करवा देता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मेरा कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है, मेरा टोटल पोर्टफोलियो 7,000 का रह चुका है अभी। तो अब दोस्तों एक चीज़ और आप समझो, जब भी इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, इतना बड़ा डाउनफॉल, उसके बाद बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को बहुत जल्दी से ब्रेकआउट किया है, ठीक है, जितना इतना बड़ा जो डाउनफॉल अभी देखने को मिला है, तो इसके बाद बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को बहुत जल्द टच करेगा और बड़े इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे पूरे क्रिप्टो मार्केट में। तो डाउनफॉल आया है कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, एक हिसाब से अच्छी बात हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दोस्तों बड़े प्राइज जो हमें देखने को नहीं मिले थे क्रिप्टो करेंसीज में, जितने भी ऑल्ट कॉइंस में, वो अब हमें देखने को, ठीक है। तो पैनिक ना हो, टेंशन ना लो दोस्तों, ठीक है, फिलहाल ये अपडेट है, जैसे कोई आएगी अपडेट मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।